चार चरणों में आयोजित हो रही है। परीक्षा में 15,62,995 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। महिला अभ्यर्थियों की संख्या 5,02,307 है। 24 अक्टूबर यानी कि कल करवा चौथ की वजह से अधिकतर महिला अभ्यर्थियों को आज आयोजित होने वाली परीक्षा में ही रखा गया है। 23 जिलों में आयोजित होने वाली परीक्षा में हर परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था की गई है, तो वहीं जयपुर और दौसा समेत ज्यादातर जिलों में नेटबंदी की गई है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद है। संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने आदेश जारी किए। कलेक्टर दौसा और जयपुर पुलिस कमिश्नर की अनुशंसा पर नेटबंदी की फैसला किया गया है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक पहले चरण की परीक्षा और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक दूसरे चरण की परीक्षा का समय है। इसके साथ ही परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड भी बोर्ड की ओर से निर्धारित किया गया है। परीक्षा स्थल पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का ले जाना प्रतिबंधित है और इस परीक्षा में जयपुर में सबसे ज्यादा करीब 4,00,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। तो दो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से परीक्षा स्थलों पर तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचे हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा नेटबंदी के भी आदेश जो हैं वो दिए गए हैं, जिससे किसी भी तरीके की चूक से बचा जा सके और हर संभव प्रयास यहां पर किए गए हैं कि बेहतर तरीके से परीक्षा जो है वो आयोजित हो। चार चरणों में परीक्षा आयोजित होगी, आज 2 चरणों में और इसके अलावा कल भी 2 चरणों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही कोशिश की गई है कि आज ही ज्यादातर महिला परीक्षार्थियों की जो परीक्षा है वो करवा ली जाए, क्योंकि 24 तारीख को करवा चौथ है और इस वजह से कोशिश यही है कि आज ही तमाम जो परीक्षार्थी हैं महिला उनकी परीक्षा हो जाए। बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सबसे ज्यादा जो परीक्षार्थी इस बार अपना एग्जाम दे रहे हैं वो जयपुर में हैं। किसी भी तरीके के अनुचित संसाधनों का प्रयोग ना हो इसके लिए हर संभव प्रयास जो है प्रशासन की तरफ से इस परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए किए गए। महिला परीक्षार्थियों की संख्या की अगर बात करें तो 5,00,000 से ज्यादा है। वहीं हर एक चरण में तकरीबन 4,00,000 परीक्षार्थियों को शामिल किया गया है। 4 चरण हैं इसके लिए ये परीक्षा आयोजित हो रही है।